आपने कब से शुरू कर दिया? तो कभी नहीं पीते थे भाई, आपको रियलाइज नहीं होता कि घर में और भी लोग रहते हैं। तब से जब से अकेला हो गई। काफी दफा जिंदगी में ऐसी चीजें हो जाती हैं जो इंसान सोचता भी नहीं। I'm sure तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा होगा कि तुमने मेरी ऑफर को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसे ही इनफैक्ट तुम्हें तो ये लग रहा होगा कि शायद अभी तक वैलिड होगी, लेकिन ऐसा नहीं है फरहान। जी यूसुफ साहब को भेजते हैं। अच्छा चले गए, बहुत गुस्से में निकले थे। अच्छा चले ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि हया रूम में है? ठीक है थैंक यू। पता नहीं कहाँ चला गया, पता नहीं हया ने उसे क्या कहा होगा, कहीं हया ने उसे ऑफिस से तो नहीं निकाल दिया। वरना इस हया का मैं क्या करूं? हमार तुम प्लीज आमिर को अपने पास बुला लो, उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना खाने का होश है, ना पीने का होश है, ना नूर का कुछ पता है, मेरा भी नहीं पूछते। अब तो डॉक्टर से बात की थी, वो कह रहे हैं दैट ही नीड्स अ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज ट्रॉमेटाइज्ड। हमें जो भी करना है जल्दी करो। शकीला ये देखो, मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं जो मैंने रिदा की शादी के लिए बनाए थे और अपनी कुछ बहू के लिए बनाए थे, लेकिन भाई चलो सबा की पहले शादी हो रही है तो उसका नसीब, वो पहन ले। देखो पापा ये तो बहुत खूबसूरत है। पापा तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, मेरा तो दिमाग सोच सोच के फट रहा था कि सब कुछ कैसे होगा। अरे अल्लाह सब करा देता है। तुम्हें याद नहीं है बानो पापा की बेटी की शादी, 4 दिन रह गए थे रुख्सती में और फर्नीचर का इंतजाम नहीं हुआ था, सब हो गया था ना? हाँ पप, वो तो बस अल्लाह भला करे मेरे शफकत का उसने कर दिया था, वरना सारी उम्र ताने सुनती अपने ससुराल वालों से। तो देख लो जब उसने किसी गैर की बेटी को सहारा दिया तो अल्लाह उसकी बेटी के लिए सहारा कैसे नहीं पैदा करता। वैसे एक बात है, शफकत ने इतनी नेकियां की हैं कि उसका तो उसे फल मिलना ही है। नहीं आपा ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होना होता तो मैं अपनी हया को इस तरह से रुखसत नहीं करती। पता नहीं हमें किन गुनाहों की सजा मिली है ये तो। अच्छा ना बस भी करो, अब सबा के सामने बातें मत शुरू कर देना। कुछ दिन रह गए बच्ची की रुखसती में, उसे सुकून से रहने दो, फिर तो बेटियों के पैर लग जाते हैं, उड़ जाती हैं अपने घर। अब देख लो मेरी रिदा को कितना मेरा दिल तड़पता है, मजाले माँ से मिलने के लिए आ जाए। अरे सबा इधर आओ बेटा, वहां क्या खड़ी हो, इधर आओ मैं देखूं जरा कैसे लग रहे हैं कपड़े तुम्हारे। देखो देखो जरा कैसे लग रहे हैं, देखो शकीला अच्छे लग रहे हैं ना। ये देखो एक और भी है, ये देखो कैसा है, बहुत अच्छा। हेलो वो सब कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, ना तुम फोन रिसीव कर रहे हो, उसके बाद तुमने अपना फोन बंद कर दिया। I'm really sorry नूर, वो मुझे अचानक जाना पड़ा शहजाद के काम से। हाँ लेकिन एटलीस्ट मुझे बता तो सकते थे ना, कॉल कर देते या रूम में आके बता देते। तुम सही कह रही हो, I'm sorry मेरी गलती। हया ने कुछ कहा है? अरे नहीं नहीं उसने कुछ नहीं कहा। मुझे पक्का लगता है कि हया ने कुछ कहा है, बताओ मुझे। नूर मैंने आज हया को अपनी रेजिग्नेशन दी है। What? हाँ और उसने साफ साफ रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर दिया। फिर बाद में मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। नूर तुम इतनी खामोश क्यों हो गई? नहीं
मैं फोन रखती हूँ, मुझे आराम करना है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। ओके हाफिज़। अरे हम आपको कॉल की थी, आई टोल्ड हिम एवरीथिंग। मैंने उसे कहा कुछ दिन के लिए आमिर को अपने पास बुला ले। ठीक किया ना? ठीक किया, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सही है, आज हया ऑफिस आई थी। उसका क्या काम है वहां? एग्जैक्टली, मैं भी ये सोच रही थी कि उसका क्या काम हो सकता है। एंड यू नो ऑनेस्टली मैं सोच रही हूँ कि डैड अब है नहीं तो उसका यहाँ पे क्या काम। मैं सोच रही हूँ मैं उसे बोल दूँ कि अब वो चली जाए। You're right. Oh, she's pregnant. You know, I don't think कि वो प्रेगनेंट है। इतना टाइम हो गया, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो झूठ बोल रही है। बात करके देखो। हाँ, मैंने सोचा कि मैं उसे खुद बात कर लूँ और उसे बोलूँ कि अब वो चली जाए, जाके अपनी मॉम के साथ रह ले। Get this pregnancy thing checked. Yeah, ठीक है। मैं नूर को अकेले नहीं छोड़ सकता हूं। पता नहीं कैसा बर्ताव कर रही होगी हया उसके साथ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा हया। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसे तो मैं भुला दूंगा, लेकिन नूर के साथ कोई ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब है? ये कैश है, इसे आप सुबह अपने अकाउंट में जमा करवा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। दुकान बंद कर दी? जी कर दी। शहजाद, इंशाल्लाह कुछ दिनों में तुम्हें वापस पैसे दे दूंगा। सामान ले लेना, इंशाल्लाह तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जी नूर मैडम, आपके पापा ने कुछ फाइल्स तैयार करवाई थी। एक आपके नाम, एक आमिर के नाम और एक इरम के नाम। मगर डैड ने तो मुझसे कोई जिक्र नहीं किया किसी फाइल्स का। जी वो कुछ अरसे पहले ही मेरे ऑफिस तशरीफ लाए थे। वो चाहते थे कि आप लोगों को कोई सरप्राइज दे, तो फाइलें तैयार हो गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस फाइल पर उनके दस्तखत चाहिए थे। अगर आप मुझे उनका डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे तो ये सब कुछ बआसानी आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं चाहिए हमें वकील साहब, आप ये फाइल डिस्कार्ड कर दीजिए, हमें नहीं कोई बंटवारा करना। जी वकील साहब, फरहान अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप प्लीज ये ले जाए। फरहान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वकील साहब, ये सारी फाइल्स जला दें।
क्योंकि शहरयार को जिन फाइल्स पे साइन करने थे वो तो करके जा चुके हैं, अब कोई फाइल बाकी नहीं रहती। शहरयार ये सब कुछ मेरे नाम करके चले गए। तुम्हें इतना नहीं पता कि घर के मालकिन से कैसे बात करते? तुम इससे बात करो। इनफैक्ट तुम एक काम करो, अपना सारा सामान उठाओ और इस घर से निकलो, क्योंकि ये घर मेरा है। शहरयार सब कुछ मेरे नाम करके गए। आई नो आप लोगों को प्रूफ चाहिए होते हैं, तो मेरे पास सारे प्रूफ हैं। इस बकवास बंद करो, जहन्नुम बना दिए तुमने हमारी जिंदगी। पता नहीं डैड तुम्हें किस तरह से बर्दाश्त करते थे। क्या हो गया नूर तुम्हें? तुम्हें इतना नहीं पता कि घर की मालकिन से कैसे बात करते? तुम इससे बात करो। इनफैक्ट तुम एक काम करो, अपना सारा सामान उठाओ और इस घर से निकलो, क्योंकि ये घर मेरा है। एक मिनट आया, ये केस अब कोर्ट में जाएगा। इतनी आसानी से सब कुछ हथियाने नहीं दूंगा तुम्हें मैं। किस हक से आप कोर्ट जाएंगे? भाई के हक से, बेटे के हक से, किस हक से? जो इंसान खुद दूसरों का माल बटोर के खाता, वो इंसाफ की बातें करता, वो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा लाओ फाइल दिखाओ मुझे। कहाँ है फाइल? मैं भी देखूं तुम कितनी सच्ची हो। अरे जो औरत झूठ के बिना पर एक रिश्ता कायम कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। बकवास बंद करें मिस्टर फरहान, ये मेरा घर है। इतनी ऊंची आवाज में मुझसे यहाँ बात नहीं करना। ना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा ही हुआ जो तुम्हारी यूसुफ से शादी नहीं हुई, वरना तुम उसकी जिंदगी भी अजाब बना देती। इनफैक्ट जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। अरे उसने वापस लौट के इधर ही आना है नूर, वो मुझसे आज भी मोहब्बत करता है। किस खुशफहमियों में हो तुम? बहुत बड़ी भूल है ये तुम्हारी। So let's just wait and watch. बहुत देर हो गई, प्लीज अपना सामान उठाए और मेरे घर से निकले जल्दी से। नूर, नूर रुको, कहाँ जा रही हो? सामान पैक करने जा रही हूँ, आप भी कर लें। नूर में उसने वापस लौट के इधर ही आना है नूर, वो मुझसे आज भी मोहब्बत करता है। किस खुशफहमियों में हो तुम? So let's just wait and watch. क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हया ने ये सब? Exactly. उस दिन वो हया ही थी, उस वकील से मिलने गई थी और उसके साथ मिलकर उसने ये सारी प्लानिंग की है। अच्छा नूर यार, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई है? जब किसी के रूम में जाते हैं तो नॉक करके जाते हैं, ऐसे नहीं घुसते। तुम जैसे लोगों के लिए ना तमीज साइड पे रखनी पड़ती है, क्योंकि तुमने हम सबको धोखा दिया। डैड ने अपनी मर्जी से वो पेपर साइन नहीं करवाए। देखा था मैंने तुम्हें उस दिन उस वकील साहब के साथ। तुम तो काफी समझदार निकली, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझ रही थी। चलो तुम्हें समझ आ गया। हया
देखो जो लोग गलत काम करते हैं ना वो मुंह के बल गिरते हैं, और मैं उस दिन का बहुत इंतजार कर रही हूँ जिस दिन तुम मेरी आंखों के सामने मुंह के बल गिरोगी। एक्चुअली पता है बात क्या है, तुम गलत समझ रहे हो। पहले तो शहरयार से सिर्फ अपना हक मांगा था, अब अगर शहरयार ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? इंसान जब खुदा की बनाई हुई लाइंस क्रॉस करता है ना तो खुदा उसे ढील दे देता है ये देखने के लिए कि उसका बंदा और कितना गलत कर सकता है। तो प्लीज तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, सिर्फ तुम्हें ढील मिली हुई है। You're right. अच्छा जाते हुए दरवाजा बंद कर देना और नेक्स्ट टाइम नॉक करके आना। यूसुफ। हेलो यूसुफ, मैं तुमसे एक बात पूछूं, प्लीज मुझे सच बताओगे? हाँ पूछो। क्या तुम, आई डोंट नो, क्या तुम अभी भी हया को पसंद करते हो? क्या हया को? उस औरत के नाम से, वजूद से और उसकी हर एक याद से मुझे नफरत है नूर। वो मेरी जिंदगी का एक बुरा ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जो शायद हर एक इंसान देखता होगा और सुबह उठ के भूल जाता है। सच बोलूं तो मुझे वो लड़की बहुत बुरी लगती है। I'm sorry, Yusuf. अरे यार तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, उसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसने ही तुमसे ये सब कहा होगा। देखो नूर, वो बहुत खुदगर्ज औरत है, उसके मकसद में उसे कामयाब नहीं होने देना। ओके ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा सुनो, जरा लॉन में आओ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? यार वो तुमने अचानक फोन बंद कर दिया था, परेशान हो गया इसलिए चला आया। इतनी फिक्र करते हो? मैं हर उस चीज की फिक्र करता हूँ जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब आओ तो सही। खास बात जो इतनी रात को आए? आया तो था, तुमने अचानक फोन बंद कर दिया तो मैं टेंशन में आ गया था इसलिए आ गया। अच्छा ठीक है अब तुम जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ, खबर करो, अभी तो आया हूँ। वाह यहाँ तो बड़ी आशिकी चल रही है। मोहब्बत उस शख्स से की जाती है जो मोहब्बत करने के काबिल हो हया, और मुझे लगता है कि जो मैंने तुम्हें कहा है ना वो काफी है, क्योंकि अगर मैंने इससे ज्यादा कहा ना तो मैं अपने अल्फाज जाया करूंगा। थैंक यू, ये इसी के लायक थी। अरे कोई बात नहीं, देखो नूर अगर तुम्हें कोई कुछ बुरा कहे ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन प्लीज मुझसे एक वादा करो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। एक शर्त पे। कैसी शर्त? कि जब भी तुम्हें कोई लड़की पसंद आए सबसे पहले तुमने मुझे बताना। बस इतनी सी बात थी? ठीक है डन है। ठीक है मैं जा रही हूँ। ओके ओके बाय। हमने सारी जिंदगी अकेले गुजारी, अब फाइनली उन्हें खुशियां मिलनी शुरू हुई, दरवाजा खुलने से पहले ही बंद हो गया। फरहान अंकल, हमने जाने से पहले हमारे सारे दरवाजे खोल दिए। फरहान अंकल, ये वो चाबी है फ्लैट की जो उन्होंने मेरे नाम कर दिया था। नूर देखो मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ संबुल भाभी बहुत अच्छी थी, तभी तो तुम भी इतनी अच्छी हो ना। गलती इंसान से होती है। अब देखो ना, उन दोनों में यकीनन सच्ची मोहब्बत थी, तभी तो दूर रहकर भी वो दूर नहीं रह सके हाँ, और अब क्यामत तक साथ रहेंगे। हमको मां ने आपसे कभी बात नहीं की ना? पुरानी बात है, भूल जाओ।
नूर अपनी मामा को अच्छी यादों में याद करो। बिलीव मी, वो बुरी नहीं थी, उनका दिल बहुत अच्छा था। नूर, बस मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आमिर की ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। प्लीज ये मत बोलो फिजा, हमारे घर में कोई बड़ा नहीं रहा, हमें मिलकर भाई को संभालना होगा। आप सबको यहाँ बुलाने का मकसद मेरा ये था कि मैं ये बता सकूं कि मेरी इस कंपनी में काफी ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि मैं धक्के दे के बाहर निकाल दूं, बेहतर होगा खुद उठ के चले जाऊं। दिलिश का